इसके अंदर क्या है? मुर्गी का चूजा है। इसमें मुर्गी है। आप क्या देख रहे हैं? बच्चे निकल रहे हैं। हमें नहीं दिखाओगे? क्यों? दो दिन हो गए मुर्गी के बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं। ये पिंजरा है, इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा इसलिए लगाया था, इसमें इन्होंने डाली है रेत और जो रेत है वो नीचे फर्श पे गिरती थी, इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा लपेट दिया। इनको बहुत शौक़ था कि मुर्गी के बच्चे निकलवाए हैं, अंडे अंडे रखे हैं। 21-22 दिन हो गए हैं तो 6 बच्चे निकल आए हैं, 2-3 रह गए हैं, 1-2 दिन में वो भी निकल आएंगे और फिर हमारी मुर्गी हो जाएगी आज़ाद इस पिंजरे से। मुर्गी को लग रहा है कि शायद मैं इसके बच्चे पकड़ लूँगी। एक अंडा तो टूट गया पूरा। नैनो आप नहीं कर देंगी? नैनो ये देखिए। इस कॉटन में क्या है? चूजा। दिखाओ जरा। इसको यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये सुबह अंडे से निकला था, मम्मा ने देखा तो ये मर गया, लेकिन हमने बाहर फेंक दिया। फिर मेरा छोटा भाई गया बाहर देखने, ये जिंदा था, फिर इसको ऐसे ढक दिया। अब इसमें जान पड़ गई है, इसलिए क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये कोई 6 से 7 घंटे बाहर रहा है, इसको फेंक दिया गया था। तो जब ये शाम को फिर इब्राहिम निकला बाहर, इब्राहिम ने देखा तो वो हिल रहा था, इब्राहिम जिंदा था। इसीलिए ला के ये बच्चों ने रुई में रखा और ये देखें, इसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बच्चों की ख्वाहिशात। Thank you.